नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं जीप कंपस 2021 के बारे में। जी हाँ, 2021 मॉडल ये है और बहुत सारे चेंजेस एक्चुअली जीप ने इसमें किए हैं। इस वजह से जो है काफ़ी सारी डिमांड आप लोगों की आ रही थी, तो फाइनली हमें जो है कंपस मिली है थैंक्स टू मुंद्रा ऑटोमोबाइल, जो कि जीप की डीलरशिप है जिनके पास में कोटा में, तो उन्होंने जो है ये गाड़ी हमें एक्सटेंसिवली शूट आउट करने के हिसाब से दी है। अब काफ़ी सारे वेरिएंट चेंजेस हैं, काफ़ी सारे फीचर्स से चेंजेस हैं, उन सब की बात हम डिटेल में यहाँ पे आपके पास में कर लेंगे। अगर आपको खरीदनी हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वो जो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, थ्रू आउट द वीडियो आप देख सकते हैं। पहले बात करते हैं एक्सटीरियर की, फिर इंटीरियर की, फिर ड्राइव करके देख लेते हैं कि वहाँ पर भी कुछ फ़र्क जो है वो आया है या नहीं आया है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत चाबी से करते हैं। एज यूजुअल यहाँ पे तीन बटन जो है वो आपको चाबी देखने को मिलेंगे, लॉक अनलॉक और ये बूट रिलीज करने का। अब लॉक और अनलॉक करने पे विंडोज रोल अप रोल डाउन नहीं होती है, लेकिन क्योंकि अब बूट जो है इलेक्ट्रिक टेलगेट हो गया, तो दो बार अगर आप इसको दबाएंगे तो आप देखेंगे पीछे जो है वहाँ पे बूट ओपन हो रहा है पूरा, और ऑब्वियसली इसी को दो बार दबाने से जो है आप बूट क्लोज भी कर सकते हैं, वो वापस क्लोज होने लग गया है। जब भी गाड़ी आप लॉक कर देते हैं तो एक ये चाइम से वो बता देती है कि हाँ गाड़ी लॉक हो गई है। ये सब चीज़ें हैं। आगे की तरफ आपके पास में यहाँ पे जीप का लोगो है, थोड़ी सी नई ग्रिल है जो कि एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट लगती है ऐसे, मतलब ये ग्रिल में किसी भी तरीके का छेद नहीं होना, किसी की तरह भी वो एयर जो है वो नहीं जाने का, ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक कार हो गई है, बट इलेक्ट्रिक नहीं है। नीचे है जो है एडियम्स आपके यहाँ पे है सारे के सारे, तो यहाँ से जो है रेडिएटर वगैरह को हवा मिलती है। ये आपके पास में इंडिकेटर्स हैं, ये DRL हैं, यहाँ पे LED रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लग रही है। जो टॉप एंड S ट्रिम है उसमें प्रोजेक्टर बेस्ड आएगी, जो कि काफ़ी अलग लगा, क्योंकि यूजुअली जो LED रिफ्लेक्टर बेस्ड होती है वो आजकल टॉप एंड में आने लग गई है, हालांकि लेकिन S में जो वो आती है वो सुंदर लगती है। उसके सारे शॉट्स जो भी डिफरेंसेस के वो शॉट्स में लगा दूंगा, जैसे कि यहाँ पे S की प्रोजेक्टर के शॉट मैंने लगा दिए हैं। ये यहाँ पे आपके पास में रिफ्लेक्टर बेस्ड फॉग लैम्प है। उसके अलावा अगर आप साइड में आते हैं तो यहाँ पे ये आपको मिलता है 255/55R18 का टायर, रेटिंग भी अच्छी है, 98V जो रेटिंग मिल रही है वो भी बढ़िया है, और 18 इंचेस का ये अलॉय जो है ये भी काफ़ी सटल सुंदर लग रहा है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि गाड़ी में आपको अलॉय डिस्क ब्रेक जो है वो फ्रंट और रियर दोनों मिलते हैं, जैसा पहले मिलते जा रहा था, तो कोई भी तरीके का बदलाव जो है वो यहाँ नहीं है। ये एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बेसिकली 80th एनिवर्सरी जो एडिशन है उसके बारे में एक छोटी सी बैजिंग यहाँ लगेगी कंपास के साथ में। अभी कंपास वाली बैजिंग जो है ये पीछे कहीं भी नहीं है, अगर आप देखोगे यहाँ कहीं कंपास बैजिंग नहीं है। ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे टेल लाइट्स में है, जीप की बैजिंग यहाँ है, लिमिटेड ये आपको वेरिएंट जो है उसकी बैजिंग जरूर यहाँ पे दी गई है। एक और चीज़, जो टॉप एंड ट्रिम है S, वो आप स्पोर्ट्स से कंफ्यूज मत होइएगा, स्पोर्ट्स जो है वो बेस ट्रिम है, टॉप एंड ट्रिम का नाम S है, तो प्रॉब्ली वो S स्टैंड फॉर सम स्पेशल और समथिंग, तो वो चीज़ है। और काफ़ी सारे मैट फिनिश के जो कहते हैं ना चीज़ें यूज़ की गई है, तो ये मैट फिनिश आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब चलते हैं अंदर। ऑब्वियसली आपको चाबी अगर जेब में है तो कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब ये दबाना भी नहीं पड़ेगा, आप सिंपली ऐसे पुल करते हो तो गाड़ी जो है अनलॉक हो जाती है। गाड़ी में स्टार्ट कर लेता हूँ, राजस्थान में गर्मियों का दौर जो है वापस शुरू हो चुका है, और स्टार्ट करते ही सबसे पहली चीज़ जो मेरे को दिखी वो ये जो है, पहले अगर आप लोगों को याद हो तो जीप कंपस में यहाँ आया करता था, यहाँ पे जिसको चेंज कर दिया गया है, बहुत ही बढ़िया काम कर दिया गया है, वो इतना अच्छा फील नहीं देता था जेन्युइनली, उससे काफ़ी जो कहते हैं ना सस्ती सी फील आती थी, बट फॉर्चुनेटली जीप ने वो चीज़ चेंज कर दी है। और मेरे पास में ब्लोअर बहुत तेज़ बज रहा है, ओके ब्लोअर को मैंने स्लो कर दिया, यहाँ पे 1 पे मैं ब्लोअर चला देता हूँ, तो वो चीज़ जो है चेंज कर दी गई। इनफैक्ट इंटीरियर अब काफ़ी ज़्यादा रिच और काफ़ी बढ़िया फील होने लग गया है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो MID है यहाँ पे भी प्रॉपर डिजिटल MID आपको दी जाती है, हालांकि इस वाले में नहीं आती, इस वाले में जो है ये छोटा सा ही आता है, जो S ट्रिम है उसमें वो डिजिटल MID आती है, बट ओवरऑल जो भी जिस तरीके के लुक्स जो लग रहे हैं काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अप मार्केट लगने लग गया है। हालांकि एक शिकायत मुझे अभी भी थोड़ी सी रहेगी जीप से, उसकी भी हम अभी बात कर लेते हैं। इस तरफ से शुरुआत करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे भी सॉफ्ट है, यहाँ पे लेदर का इस्तेमाल किया गया है, नीचे की तरफ यहाँ पे प्रॉपर लेदर का इस्तेमाल किया गया है। ये फिनिश जो है इसकी वो पियानो बैक में, और अच्छी फिनिश हो गई है। फॉर्चुनेटली पहले जब लॉक अनलॉक करते थे तो बहुत तेज आवाज आती थी, अब तो वो काफी रिड्यूस हो गई है, एकदम सही लेवल पे आ गई, तो वो एक अच्छी चीज है। सीट्स में मेमोरी फंक्शन है, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं ये S12, ये मेमोरी फंक्शंस के लिए आपको यहां पे दिया गया है। इस तरफ आपकी ORVM के कंट्रोल है, ORVM कंट्रोल, बाद में यहां पे पावर विंडोज के कंट्रोल है। फ्रंट दो पैसेंजर और ड्राइवर की विंडोज है, वो अप डाउन ऑटो टच होती है, बट रियर जो है सिर्फ डाउन जाती है वन टच में, आपको अप करने के लिए उसको खींच के रखना पड़ता है। लॉक अनलॉक चाइल्ड लॉक जो है उसका स्विच यहां पे है आपके पास में, चाइल्ड विंडो लॉक्स का। यहां पे आपके पास में हेडलाइट से जुड़े हुए स्विचेस, तो आपको ऑटो पे सेट करना है तो फॉग लैंप ऑन करना है तो ये, हेडलाइट लेवलिंग करनी है तो ये, और इंटीरियर कैबिन जो है उसकी ब्राइटनेस क्या है वो आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीजें यहां दी गई है। उसके बाद में थोड़ा सा पहले
ये देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास में सीट एडजस्टमेंट है, लंबार सपोर्ट जो है वो भी इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं। जो टॉप एंड है उसमें पैसेंजर जो है उसके पास में भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर के पास में आता है। इस तरफ आपके पास में स्पेस नीचे जो है उतना ज़्यादा तो नहीं है, बट स्टिल अभी तक मेरे पाँव वगैरह नहीं टकराए हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। क्लच हैवी है डेफिनेटली डीजल मैनुअल का, तो वो एक चीज़ है जिसपे अभी भी मतलब काम, मतलब क्लच का तो ऐसा है कि उस पर काम किया ही जाता रहना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के क्लचेज जो है वो काफ़ी लाइट होते हैं और उतना ही अगर डीजल का हमें ओवरऑल मिलते हैं, कुछ गाड़ियों में ऑफर किया जाता है बट इसमें जो है उतना नहीं है। फिर स्टेयरिंग की बात करते हैं, तो स्टेयरिंग में यहाँ वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। बेसिकली खाली स्विचेज जो है ये नहीं देने चाहिए थे जीप को, बट यहाँ पे खाली स्विचेज जब दिए जाते हैं तो थोड़ी सी फील जो है उसकी उतनी अच्छी नहीं रहती है। प्रॉब्ली कुछ भी दिया जाता टॉप एंड में हो सकता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वगैरह में क्रूज कंट्रोल वगैरह दिया है, यहाँ पे भी कुछ एक दो बटन दे दिए जाते हैं तो अच्छा लगता, तो वो एक चीज़ आपको अजीब लगेगी। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में है सारे के सारे वाइपर वॉशर वगैरह से जुड़े हुए कंट्रोल्स, उस ऑटोमेटिक वाइपर रेन सेंसिंग वाइपर्स में आते हैं। यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट हाई बीम वगैरह करने से जुड़े हुए और इंडिकेटर देने से जुड़े हुए कंट्रोल, बाकी हेडलाइट के पूरे डिटेल जो आपके पास में कंट्रोल है वो यहाँ पे है। ये MID है, छोटी है, S वेरिएंट में बड़ी आती है, बट इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। कंट्रोल कहाँ से होगी MID? वेल कंट्रोल ये यहाँ से होती है MID, यहाँ पे आपके पास में ये जो कंट्रोल्स है इनसे होती है, यहाँ पे कॉल काटना और उठाना जो है उससे जुड़ा हुआ स्विच आपके पास में है। क्या क्या फंक्शंस है वेल उनकी बात कर लेते हैं। व्हीकल इन्फो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, यहाँ पे DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड या यूरिया जो है उससे जुड़ी हुई दिख जाएगी आपको, बैटरी वोल्टेज, ऑयल टेम्परेचर, बहुत सारी रीडिंग्स एक्चुअली ये दिखाता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर आपके पास में यहाँ पे है, डिजिटल स्पीडोमीटर है, अगर आप नीचे करेंगे तो आपके पास में फ्यूल इफिशियंसी जो है वो यहाँ दिखाएगा, रियल टाइम क्या दे रहा है, ओवरऑल क्या दे रहा था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाता रहता है। ये गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी है तो थोड़ी सी फ्यूल इफिशियंसी ड्रॉप इसकी यहाँ पे हो गई है। ट्रिप इन्फो आपको यहाँ पे दिखाता रहता है, ए और बी दोनों ट्रिप इन्फो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ स्टार्ट स्टॉप वगैरह से जुड़े कुछ भी वार्निंग वगैरह आपको आनी है तो वो यहाँ पे आती रहेगी। ऑडियो जो है उसका सोर्स वगैरह यहाँ पे दिखता जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो का भी करंटली सोर्स है, कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे मैसेजेस जो है वो कुछ होने होंगे गाड़ी की ओर से तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे, और स्क्रीन सेटअप जो है वो आपको अगर करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अपर राइट अपर लेफ्ट किस कहाँ पे क्या आना चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं ऊपर ये चेंजेस हो रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या लाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। और व्हीकल सेटिंग्स अगर आपको कुछ करनी है, स्पीड वार्निंग, पैसेंजर एयरबैग, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये सब चीज़ें सेट करना हो तो आप यहाँ से करते हैं। हिल स्टार्ट असिस्ट को ऑन करना है ऑफ करना है वो सब चीजें आप यहां पे देख पाते हैं। हिल स्टार्ट असिस्ट ऑफ कर देते हैं हम, ओके हिल स्टार्ट असिस्ट ऑफ कर देते हैं। उसके बाद में पैसेंजर एयरबैग ऑन रखना है या नहीं रहना है, स्पीड वार्निंग कब आनी चाहिए ये आप कस्टमाइज यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इधर आपको कूलिंग टेम्परेचर दिखा रहा है, इधर आपके पास में फ्यूल कितना बचा है वो दिखा रहा है। इसके बाद में टेम्परेचर एम्बियंट बाहर का टेम्परेचर यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिख रही है। इस तरफ आपको RPM दिखता है ऑब्वियसली, और इस तरफ आपके पास में एनालॉग स्पीडोमीटर जो है वो आ जाता है, वार्निंग लाइट वगैरह जो है इधर उधर स्प्रेड हुई हुई है। आप ये स्टीयरिंग जो है वो आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में एडजस्ट कर सकते हैं, और एक्चुअली इसका एडजस्टमेंट जो कहते हैं ना लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि एक काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है, काफ़ी लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे आपके पास में बुस्ट स्टार्ट सॉफ बटन फाइनली दे दिया गया है, काफ़ी सुंदर लगता है। पहले जहाँ आता था वहाँ पे मतलब सही जगह प्लेसमेंट वो जो है सही नहीं था। इसके बाद में यहाँ पे ये टच स्क्रीन है, नया टच स्क्रीन है, और एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड टच स्क्रीन ही हो गया पिछले वाले के मुकाबले। क्या क्या चीज़ें हैं, डाउनलोडिंग फोन बुक वगैरह सब छोड़ दो, ऐप्स जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। होम पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ देख सकते हैं, वैसे ही आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अब ये कस्टमाइज़ नहीं है प्रॉपरली, आप इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन ला सकते हैं, कहाँ पे क्या लगाना है वो सब चीज़ देख सकते हैं। लेकिन हम ओवरऑल कंट्रोल्स वगैरह देख लेते हैं, म्यूजिक आपको कैसे प्ले करना है, AM/FM, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह कैसे करना है, वायरलेस चलता है सारा सब कुछ तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, वायरलेस या कनेक्ट करके केबल से कैसे चलाना है। ये AC से जुड़े हुए कंट्रोल है, ऑब्वियसली आपके पास बटन्स भी दिए हुए हैं जिन पर अभी हम थोड़ी देर बाद में जाते हैं। ये फोन से जुड़े हुए यहाँ पे कंट्रोल्स आपके सारे। उसके बाद में ये व्हीकल से जुड़े हुए अगर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह करनी है तो वो है डिस्प्ले, अगर आपको उसके बारे में कुछ सेट करना है, सेफ्टी एंड ड्राइविंग असिस्टेंस वगैरह में पार्क सेंस ऑन करना है नहीं करना है, साउंड डिस्प्ले दिखाना है नहीं दिखाना है, रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह, क्लॉक एंड डेट, ये सब चीज़ें हैं। मिरर्स वगैरह से जुड़ी हुई सेटिंग है, कैमरा से जुड़ी हुई सेटिंग है, ऑटो फोल्डिंग साइड मिरर्स ऑन या ऑफ करने, तो बेसिकली अभी गाड़ी जब लॉक अनलॉक हुई थी तो ऑटो इस वजह से जो है साइड मिरर अनफोल्ड नहीं हुए थे। उसके बाद में लाइट, ब्रेक, काफ़ी सारी सेटिंग है डिटेल में, अगर आपको इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो जाना है तो मुझे बता दीजिएगा मैं बना दूंगा। उसके बाद में आपके पास में ये लास्ट स्क्रीन जो है ऐप्स वगैरह जुड़ी हुई स्क्रीन हो जाती है,
रीसेंट कैटेगरीज, ये आपके पास AM ऑडियो सेटिंग, ब्लूटूथ मीडिया, सब कुछ जो है वो आपके पास में आ जाता है। अगर आपको सेट करना हो बाहर तो वो एकदम से आप क्लिक करोगे स्टार बटन जो है उस पर वो सेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, और उसके बाद में नीचे आपको कुछ स्विचेस दिए गए हैं। क्या स्विचेस है, ये तो सिर्फ आपको इंडिकेशन है। यहाँ पे आपके पास में पार्किंग चाइम ऑन ऑफ करनी है तो आपका उसका स्विच है, हजार्ड लैंप ऑन ऑफ करने का स्विच है। ये आपका गाड़ी का जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ अगर आपको करना हो तो उसके लिए स्विच दिया गया है। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है वो आपको ऑन ऑफ करना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्विच दिया गया। नीचे ये AC से जुड़े हुए कंट्रोल है। काफी बढ़िया फिनिश एक्चुअली इसकी लगती है, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग जो है इसमें हो गई है। ये आपके पास में यहाँ पे कंट्रोल्स है एयर फ्लो वगैरह के। नीचे आपके AC से जुड़े हुए कंट्रोल, जैसा बता रहा था कि AC के जुड़े हुए कंट्रोल जो है वो आपको नीचे भी मिलते हैं, तो वो कंट्रोल आपके पास में यहाँ पे है ये वाले पार्ट में। सो बेसिकली ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, आप अपने हिसाब से पैसेंजर सेट कर सकता है, ड्राइवर सेट कर सकता है, पैसेंजर सेट कर सकता है, ऑटो में चलाना है तो आप ऑटो पे सेट कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू जो है वो नहीं होना चाहिए। इधर आप वॉल्यूम सेट कर सकते हो, ये नॉब थोड़ा सा पतला है बट स्टिल रबराइज है तो होल्ड करने वगैरह में कोई इशू नहीं होता है। म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी जो है वो आपको इंस्टाग्राम पे मैं चला के उसमें बता दूंगा। म्यूट दबाना है तो आप सिंपली एक बटन से म्यूट कर सकते हो। ये आपके पास में ट्यून वगैरह चेंज करना है, एंटर वगैरह करना है आपको, मतलब जब ऑडियो वगैरह कंट्रोल चल रहे हो, बेसिकली ये जब चल रहा हो तो आप जो है उसमें ट्यूनिंग वगैरह कर सकते हैं। FM मैंने चलाया, ओके, तो ये ट्यूनिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं जैसे मैं अभी कर पा रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हो। एंटर वगैरह करना हो, स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप इसको दबाए रखें और स्क्रीन जो है वो आपकी ऑफ हो जाएगी, और टच करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी, या आप इस बटन को दबाएंगे तो अभी ऑन हो जाएगी। ये चीज़ें हैं। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिलता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक USB टाइप सी और एक USB रेगुलर, अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं। आपको वायरलेस चार्जिंग जो है वो इस वेरियंट में नहीं मिलती, एस वेरियंट में मिलती है। इनफैक्ट एस वेरियंट में आपको 360° पार्किंग कैमराज भी मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास में ये मैनुअल है, तो जब मैनुअल आप लेंगे तो आप फिर कुछ कुछ चीज़ें और जो है थोड़ी सी कम महसूस करेंगे, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये गियर लीवर है बेसिकली सिंपल सा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और ये जो पोर्शन है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कुछ कुछ चीज़ें मिस करेंगे। बेसिकली जो ऑटोमेटिक ट्रिम आता है उसमें यहाँ 4-2 का ऑप्शन आता है, और ऑब्वियसली ऑटो होल्ड जो है उसका ऑप्शन आता है। काफ़ी सारे बटन यहाँ पे जो है वो यूज़ किए जाते हैं उसमें, बट यहाँ पे वो सब खाली रह जाते हैं, तो उस वजह से आपको जो है थोड़ा सा अजीब से ही फील हो रहा होगा। उसके बाद में इस जगह पे एक्चुअली जब वो जो ऑटोमेटिक आता है उसमें यहाँ पे मोड्स वगैरह स्विच करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ आता है। थोड़ी सी प्लेसमेंट की आप दिक्कत समझ सकते हैं, अगर आप मतलब ऐसे बच्चों को आगे बैठाते जो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, खेलते रहते हैं, हालांकि बच्चों को आगे नहीं बैठाना चाहिए माइंड यू, तो उस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए। लेकिन अगर कोई बच्चे बैठ जाते हैं तो गलती से टच करते ही जो है वो चीज़ थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो बच्चों को बेटर है कि आगे बिठाएं ही ना, तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे बड़े बड़े आपके पास में 2 बॉटल होल्डर है, ये आपके पास में एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है, और इसके नीचे आपके पास में थोड़ा सा डीप जो है वो ग्लोबक है, थोड़ा छोटा है साइज में बट डीप है, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है। उसके बाद में यूजुअली आप एयरबैग की यहाँ पे वो देखते हैं बैजिंग, लेकिन यहाँ पे जीप की बैजिंग दी गई है। ऑब्वियसली इसमें एयरबैग भी आते हैं, तो उसकी बैजिंग जो है वो इस तरफ दी गई होगी, SRS एयरबैग। उसके बाद में हम आते हैं ये ग्लोबॉक्स पर। ग्लोबॉक्स की साइज़ डिसेंट है, हालांकि जब कोई फ्रंट पैसेंजर बैठा हो तो ग्लोबॉक्स खोलने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि एकदम काफ़ी आगे आता है, बट डिसेंट साइज का ग्लोबॉक्स यहाँ पे दिया गया है। एक बॉटल होल्डर यहाँ पे है आपके पास में, एक छोटा सा बॉटल होल्डर यहाँ पे जिसमें आप कुछ और भी चीज़ें रख सकते हैं। सेम चीज़ है जो ये बेसिकली यहाँ पे आपके पास में ये पकड़ने के हिसाब से भी, और जैसे हम लोगों की आदत है यहाँ पे हम कॉइन्स वगैरह रखते हैं, चाबी वगैरह कुछ यहाँ रख सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे हम रखेंगे ही और आ जाएगा इसमें। इधर ऊपर आपके पास में है वैनिटी मिरर जो कि इक्विप्ड है लाइट के साथ में, हालांकि एक्चुअली इस वाले में लाइट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैनिटी मिरर आपको दिया गया है। अभी वैनिटी मिरर जो है वो हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि ये एक्सटेंड होता है, जी हाँ ये एक्सटेंड होता है फुल नंबर जीप को इस चीज़ के लिए, बहुत ही काम की चीज़ है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, एक्चुअली काफ़ी बढ़िया ये ब्लॉक कर देता है, तो कोई भी शिकायत जो है वो यहाँ पे नहीं होगी अगर आप धूप वगैरह में चला रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो है सूरज यहाँ से आ रहा है तो अभी मेरे ये कोई काम का नहीं है आगे की तरफ, अगर मैं इस स्ट्रेट रोड ड्राइव कर रहा हूँ तो मेरे ये यहाँ लग जाएगा और मेरे को ज़्यादा बेटर जो है वो चीज़ देगा सूरज से प्रोटेक्शन। तो ये मुझे कई लोग पूछ रहे हैं कि आप ये क्यों दिखाते हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, तो ये इसका लॉजिक मैंने आज आपको बता दिया। यहाँ पे आपके पास में सनरूफ ऑपरेट करने के कंट्रोल्स हैं, बेसिकली ऑटोमेटिकली अगर आपको सनब्लाइंड हटाना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको नीचे कितना सनब्लाइंड अभी ऊपर आ जाएगा। ऑटोमेटिकली सनरूफ अगर आपको खोलनी है तो वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। एक्चुअली सनरूफ का ऑपरेशन काफ़ी क्वाइट है, जो कि एक अच्छी चीज़ मुझे लगी, यहाँ तक ही सनरूफ जो है वो खुलती है, काफ़ी खुल जाती है एक्चुअली, तो वो चीज़ है वन टच में जो है वो कम्प्लीटली बंद भी हो जाती है। ओके, तो सनब्लाइंड और सनरूफ अलग अलग बंद होती है, ये हम देख लेते हैं। हाँ, तो टाटा हैरियर की तरह यहाँ पे भी एक बार में सारा बंद नहीं होगा, आपको जो है 2 बार उसको प्रेस करना पड़ेगा, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दबा के रखें, ओके आप उसको अगर दबा के रखेंगे नहीं तो भी नहीं हो रहा, एक आपको 2 बार जो है वो करना पड़ता है।
और ये यहाँ पे जो आप कंट्रोल देख पा रहे हैं बचे हुए लाइट्स वगैरह के स्विचेस हैं, और जैसे कि आप ये जलाना चाहें, हालांकि ये हैलोजन बेस दिए गए हैं, एलईडी नहीं दिए गए हैं, तो ये चीज़ है। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज़ करना है तो उसका एक और बटन आपको यहाँ मिलता है, तो जब भी आप कहीं पार्किंग वार्किंग होटल वोटल में जा रहे हैं और वो आपसे खुलवाए, जो वो क्या चेक करते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता आज तक क्या चेक किया उन्होंने, बट जब भी वो खुलवाएं तो आप यहाँ से उसको खोल सकते हैं। जब ऑटोमेटिक लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली आपको पार्किंग पे ही ये खुलेगा, पार्किंग पे लाने, पार्किंग मोड पे लाने पर ही। यहाँ पे वैनिटी मिरर है जो कि अगेन जिसमें मुझे कोई भी लाइट नहीं दिख रही है, विच इज़ वेरी वियर्ड। प्रॉब्ली ये वाली लाइट जो है वही आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी क्योंकि इसका थ्रो जो है वो साइड में आ रहा है, तो शायद वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ किया गया। यहाँ पे क्लिप दी गई है जिसमें आप कुछ भी पेपर वगैरह, टिकट वगैरह, कुछ टोल टिकट वगैरह फंसाना चाहे तो वो फंसा सकते हैं, एंड ऑब्वियसली ये भी जो है वो एक्सटेंड होता ही है। मोस्टली जो ये एक्सटेंड होते हैं उसमें यहाँ पे जो है ये एक साइन सा बना हुआ था, एक अलग सा, आप अभी अगर आप देख पा रहे हैं तो एक साइन सा यहाँ पे बना हुआ था जो एक्सटेंड होते हैं उनमें। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट है, काफ़ी बढ़िया लगता है। लेदर का बहुत जगह इस्तेमाल किया गया है, तो प्रीमियमनेस जो है वो आपकी कहीं भी कम नहीं होगी। और ये आपको इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिलता है, अगर मैं बताना भूल गया हूँ तो। अब हम चलते हैं पीछे रियर सीट्स पे, बट उससे पहले मैं ये सीट जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो फ्रंट सीट जो है वो मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, अब देखते हैं रियर सीट में कितना स्पेस है, क्या कुछ है। ओके, रियर सीट्स में स्पेस जो है वो दिख तो ठीक रहा है, और ये बीच वाली सीट जो है इसको थोड़ा सा स्कूप किया गया है, बट एक्चुअल में कितना है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो रियर सीट में जो है एक्चुअल में डिसेंट स्पेस है, आप देख पा रहे हैं इतना स्पेस है, और ये जो नीचे पांव रखने वाला एरिया है ये भी काफ़ी बड़ा है, तो आप यहाँ पे भी पांव रख के काफ़ी आगे पीछे ऊपर नीचे खेल सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपके पास में मैगजीन होल्डर दिया गया है। एसी वेंट्स आपको मिलते हैं तो आपको शिकायत नहीं होगी, इस पीछे जो है पैसेंजर बैठे हैं उनको किसी भी तरीके की एसी से जुड़ी हुई। एक आपके पास में यूएसबी स्लॉट दिया गया है, और उसके नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो भी आप अगर देख पा रहे हैं तो वो आप यहाँ आपको मिलता है, तो आप चार्जिंग यूएसबी जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 12 वोल्ट वाला सॉकेट जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मिलता है एक आर्मरेस्ट, ये आर्मरेस्ट जो है उसमें दो बॉटल होल्डर और एक छोटा सा कुछ फ़ोन वोन अगर आपको फिट करना हो तो वो भी आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ये फ़ोन यहाँ पे फिट कर दिया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। सीट्स का कुशन एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे हैं, बट सीट में पीछे तीन बड़े एडल्ट डेफिनेटली नहीं बैठ पाएंगे, और शायद यही रीज़न है कि आपको तीन हेडरेस्ट भी नहीं दिए गए, दो ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए। ऑल ब्लैक इंटीरियर है, हालांकि जो लिमिटेड ऑप्शन वेरियंट है, जो इससे नीचे वाला वेरियंट है, उसमें ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट नहीं है। जो अभी आप देख पा रहे हैं लिमिटेड ऑप्शन के इंटीरियर के शॉट्स है, कुछ ऐसा सा वो इंटीरियर उसका लगता है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं बूट की और आपको बताता हूँ मैं बूट जो है वो कितना बड़ा इसका है। इलेक्ट्रिक ट्रेल गेट है, मैंने आपको बताया था, ये आपके पास में बूट है, काफ़ी बड़ा बूट है, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल बूट इसका है, उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल इसका काफ़ी है बूट। और ये आपके पास में स्पेयर साइज़ जो है वो भी आपको मिल जाता है, 215/65R16 साइज़ जो है वो इसका है। ऑब्वियसली स्पेस सेवर तो इसको नहीं कहेंगे, बट ये थोड़ा सा छोटे साइज़ का है, और ये रिकमेंडेड भी होता है कि आप स्पेयर व्हील जो है उस पर ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो या कुछ भी हो। और ये चीज़ें पीछे बूट में आपको लैंप मिलते हैं दो, एक यहाँ पे लैम्प मिलता है आपको, इनफैक्ट ये टेल लाइट जो है, टेल गेट जो है उसका बटन यहाँ पे मिलता है, बट कोई भी तरीके का आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये दो बड़े आपके पास में, काफ़ी डीप एक्चुअली है, काफ़ी डीप जो है आपके पास में ये स्पेसेस है, दोनों साइड में है, पर इस साइड में थोड़ा छोटा है। यहाँ पे आपके पास में फ्यूज़ बॉक्स जो है वो प्रॉब्ली इसके नीचे, जीप जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ये देख पा रहे हैं जीप जो है काफ़ी जगह पे बना हुआ है, जीप की ग्रिल होती है वो काफ़ी जगह बनी हुई, यहाँ बनी हुई है, इनफैक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बनी हुई है, ये जो आपके पास स्पेस है काफ़ी जगह पे वो उसको बनाया गया है। उसके बाद में एक और चीज़ ये कि जो टॉप एंड वेरिएंट है एस, उसमें यहाँ पे सब वूफर लगा हुआ आएगा, तो थोड़ा सा और स्पेस उसमें कम होगा, बट उसमें जो है वो सब वूफर नहीं लगाता है। तो ये आपके पास में चीज़ें हैं, अब मेरी आदत पड़ गई इसको यूँ ही खींच के बंद करने की, बट ये एक्चुअली हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये भी एक्चुअली काफ़ी स्टडी, अगर आप यहाँ कुछ रखना चाहें तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए अब ड्राइव करते हैं लिमिटेड ऑप्शन को। ओके जी, तो अब ड्राइव करते हैं जीप कंपस मैनुअल और उसकी बात करते हैं। अब मैंने जीप कंपस जो है वो जब पहली बार चलाई थी तब वो मैनुअल चलाई थी, बट वो BS4 था, तब से इसमें क्या चेंजेस आ गए उनकी हम बात करते हैं। इस बीच मैंने जितनी बार भी कंपस चलाई है वो मैंने ऑटोमेटिक चलाई है, मैनुअल नहीं चलाई है, बट अब मैनुअल चला के बात कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस उसमें नज़र आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी मुझे लग रही है, फील कैसी हो रही है। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम बात करते हैं विजिबिलिटी वगैरह वाइज, कोई चेंजेस नहीं है विजिबिलिटी वगैरह वाइज में, जो पहले थे वही के वही है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में दी गई है। अगेन मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा कि ओवरऑल साइड वगैरह वाली विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी, गाड़ी की रियर की भी बहुत अच्छी दिखती है, इट्स जस्ट कि अगर आपको बोनेट वोनेट देखने वाली आदत है तो वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा।
फिर बात आती है कि गाड़ी की ओवरऑल गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स वगैरह, तो एर्गोनॉमिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे गाड़ी के। पहले भी दो छोटे मोटे इश्यूज हुआ करते थे, इधर इंडिकेटर वगैरह वो सब, वो तो पहले जैसे ही है मतलब वो आदत पड़ जाएगी आपकी। बट एक चीज़ जो पहले नहीं थी वो ये कि ये थोड़ा सा जैसे ये बाहर निकला हुआ है, इस वजह से आपका ये पाँव जो है ज़्यादा ऐसे प्रॉपरली लीन नहीं कर पाता है। ऑटोमेटिक में ये शिकायत नहीं होगी, मैनुअल में आपका अगर मन कर रहा है तो ये यहाँ पे टच हो रहा है। फॉर्चुनेटली वो हैरियर की तरह तीखा ये नहीं है, तो तीखा टच नहीं आता है, बट ये फिर भी थोड़ा सा ऐसे कम स्पेस वाली चीज़ जो है फील करवाता है। अगर आपके पाँव बड़े हैं, आपकी साइज़ बड़ी है, तो शायद आपको ये थोड़ा सा फील होगा। बट उसके अलावा इकोनॉमिक वाइज कोई शिकायत नहीं है। नई टच स्क्रीन वगैरह, जो नया डैशबोर्ड लेआउट है, उसमें हर एक चीज़ रीच में है, थोड़े से और बेहतर ही हो गए हैं वो सब टच वच करने में, तो वो शिकायत आपको कुछ वहाँ पे होगी नहीं। फिर बात आती है गाड़ी की राइड वगैरह से जुड़ी हुई, इंजन की बात हम थोड़ी से बाद में करेंगे। राइड वगैरह के मामले में कंपस जो है काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी उसकी है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, कोई भी शिकायत आपको उससे जुड़ी हुई नहीं होगी। इट्स जस्ट दैट अपने इंडिया में कोई बहुत बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी उतनी ज़्यादा प्लांटेड और उतनी ज़्यादा वो मैच्योर नहीं फील पाएगी अगर आप तेज ले जाएँ तो। बट मोस्टली जो अगर आप हाईवे क्रूज़ कर रहे हैं उसमें कोई छोटे मोटे गड्ढे आ जाएँ, कहीं पर भी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गाड़ी में रोड नॉइज़ थोड़ी सी अंदर फिल्टरिंग हो जाती है, हालांकि ये वाली रोड जिसमें मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये रोड ही थोड़ी सी ख़राब सी है, बट थोड़ी सी अंदर जो है फिल्टरिंग होती है वो उतनी चीज़ जो है वो शायद आपको पसंद आए। बट वो टायर्स पे भी डिपेंड करता है, आप टायर्स चेंज करवा के उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। राइड क्वालिटी, स्टेबिलिटी वगैरह सब शानदार है गाड़ी की, कोई शिकायत आपको वहाँ पे नहीं होगी। आपको गाड़ी में कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो होता ना कि बॉडी रोल वगैरह जो है वो फील गाड़ी में इतनी नहीं आती, हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है बट उतनी ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह वाली फील नहीं आती है। स्टेबिलिटी वगैरह कोई शिकायत है नहीं। फिर बात आती है कि स्टीयरिंग का फीडबैक ओवरऑल, तो स्टीयरिंग फीडबैक एकदम मजबूत फीडबैक, मैं नहीं कहूँगा कि एकदम प्रिसाइज फीडबैक वहाँ पे आता है, बट आपको कॉन्फिडेंट रखता है वो हर एक स्पीड पे, स्पीड लिमिट पे, वो एक चीज़ वहाँ पे है। हैंडलिंग अच्छी है तो वो आपको उतना फीडबैक जो है वो उतना प्रिसाइज नहीं आता, बाकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। फिर बात आती है गाड़ी की इंजन और ट्रांसमिशन की। सबसे पहले गाड़ी में एक 9 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है, एक पेट्रोल इंजन आता है उसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है, तो यहाँ पे सारे पावर फिगर्स वगैरह लिखे हुए हैं कि किस में क्या पावर फिगर मिलते हैं। चेंजेस नहीं है कुछ भी पुराने जीप कंपस से, सब वही है, चेंजेस वगैरह कुछ ऐसा उसमें आया नहीं है पावर फिगर्स वगैरह में भी। इट्स जस्ट दैट अब जो ट्रेल हॉक है वो नहीं आती है। ट्रेल हॉक अगर आती तो वो काफ़ी बेटर वो चीज़ होती, उसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह जो है काफ़ी बढ़िया थी, वहाँ पे 4x4 जो है उसमें लो रेशियो आता था, इसमें भी लो रेशियो आता है वाले में, बट वो एक्चुअल में एक लो ट्रांसफर केस वगैरह लगा के वैसे नहीं किया गया, वो लो रेशियो ऐसा काम करता है कि जब यह 4x4 लो हिट करते हो तो फर्स्ट गियर में गाड़ी रह जाती है, और फर्स्ट गियर उसका क्रॉल रेशियो इतना, उसको क्रॉल इतना बढ़िया करती है, उसको रेशियो इतना बढ़िया दिया गया 20:1 का, तो वो लो रेशियो ही लगता है उस वजह से। अदरवाइज गाड़ी जो है सेकंड थर्ड वैसे चलती रहती है, अगर आप लो 4-2 लगा लेते हो तो गाड़ी क्रॉल करती रहती है फर्स्ट गियर में, इस तरीके से वो उसका 4-2 काम करता है। तो वो सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, हमारे पास में यहाँ पे जो है वो चीज़ नहीं है। 4x4 ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक के साथ में जब आप लेंगे तो सब कुछ ट्रेल हॉक जैसा मिलता जरूर है, बट ट्रेल हॉक जो है उसकी अपनी एक बात थी, और उसका रीज़न ये था कि ट्रेल हॉक के फ्रंट अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ओवरऑल कैपेबिलिटीज़ जो है वो बेटर थी रेगुलर जीप कंपस से। आई विश वो चीज़ रिटेन कर दी जाती जो कि यहाँ पे करी नहीं गई है, ट्रेल हॉक जो है वो आया नहीं है, ना ही एस वेरिएंट जो है उसमें सिमिलर चीज़ आती है। काश ट्रेल हॉक वर्जन जो है वो जल्दी लॉन्च कर दिया जाए, और ज़्यादा प्राइस में ना एस के जितनी जितनी प्राइस में ले आए हैं, थोड़े बहुत फीचर्स आगे पीछे करके, तो काफ़ी बेटर वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि वो एक व्हीकल है जिसमें प्रॉपर जीप का DNA जो है वो फील होता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग है, वेल क्लच जो है वो थोड़ा लाइट हो गया है, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी नई है, 2000 किलोमीटर, तो इस वजह से मुझे लग रहा हो, या जेन्युइनली थोड़ा सा काम किया गया BS4 BS6 ट्रांजिशन में, तो वो एक रीज़न भी हो सकता है। दूसरी चीज़, इंजन की जो नॉइज़ है वो थोड़ी सी कम हो गई है, कैबिन के अंदर आना है अभी भी बट थोड़ी कम हो गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ ही में थोड़ी सी पावर पहले से पुश आता था, एक मतलब BS4 व्हीकल में से सर्ज सा आता था पावर का, जो कि ज़रूरत उसकी कहीं भी नहीं पड़ती थी, बट वो ऐसे फील होता कि आप टर्बो एक्टिवेट हो गया, वो चीज़ें यहाँ पे लीनियर हो गई है फॉर्चुनेटली, और वो एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी बढ़िया पावर डिलीवरी RPM बैंड जो है उसमें है, बढ़िया पावर डिलीवरी गाड़ी करती रहती है, तो आपको इवन आप जब हाई स्पीड्स कर रहे हो, जैसे मैं 100 पे चल रहा हूँ अब यहाँ पे, मैंने 6th गियर में गाड़ी लगा ली है, गाड़ी जो है 1800 RPM के आसपास है और बढ़िया क्रूज़ कर रही है, यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी देगी। प्लस जैसे ही मैंने टैप किया तो मेरे को गाड़ी वहीं से पिक होना शुरू हो गई है, ओवरटेक करने वगैरह में आसानी होगी। हाँ ठीक है, आपको एकदम सडन ओवरटेक करना है तो आपको हल्का सा डाउनशिफ्ट करके 5th में आना पड़ जाएगा, बट आपका जो गियर चेंजेस जो आप करते हो वो आपको कम करने पड़ेंगे, चाहे आप सिटी में चला रहे हो चाहे आप हाईवेज पर चला रहे हो। ट्रैक्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो ओवरऑल गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, वो इस इंजन की वजह से है। 1.4 मैनुअल भी आता है सिर्फ लोअर वेरियंट में, कभी मौका मिला तो वो भी हम चलाएंगे, बट फिलहाल तो हमें वो मौका मिला नहीं है, वो मौका मिल नहीं पा रहा है कि लोअर वेरियंट चला गया हम 1.4 मैनुअल
मैनुअल जो है उसको देख पाएँ, लेकिन 1.4 ऑटोमेटिक जो है वो जल्द ही चलाने की कोशिश हम करेंगे। बाकी गाड़ी की इंजन और मतलब गेयरबॉक्स वगैरह में कोई ऐसी शिकायत है नहीं। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर आप बात करें, अगर आप आराम से चलाते हैं तो हाईवे पे आपको क्लोज टू 17 के आसपास की फ्यूल एफिशिएंसी डिलीवर कर देगी। सिटी में ये आपको 11-12 अगर आप थोड़ा आराम से पिकअप वगैरह लेने में बिलीव करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर जो है आपको दे देगी। तो ये फ्यूल एफिशिएंसी फिगर यहाँ पे ओवरऑल मुझे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स वगैरह लगते हैं। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है जीप को एक और चीज़ ट्राई करनी चाहिए, वो क्या, मैनुअल के साथ में काफ़ी सारे ऑप्शंस अगर वो देने लग जाए। फॉर एग्जांपल मे बी फोर लो, तो चलो वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो गियर के हिसाब से उन्होंने बनाया है, बट स्टिल ट्रेल हॉक जैसा कुछ एडिशन वगैरह अगर वो देना शुरू करें तो वो काफ़ी बेटर चीज़ हो सकती है। अभी गाड़ी ठीक है, SUV स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छी है, बट और केपेबल जो है वो जीप उसको कर सकता है प्रॉब्ली किसी वेरियंट के साथ में। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल जीप कंपस 2021 के बारे में। तो ये सब कुछ है जीप कंपस 2021 के बारे में मेरे इंप्रेशंस। कोशिश ये की जाएगी कि हम जीप कंपस को ऑटोमेटिक जो है उसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए चला पाएँ, अगर जीप इंडिया जो है हमें थोड़े टाइम के लिए वो दे पाए, अगर उनको वक्त हो तो उस समय जो है हम वो चला के उसके बारे में इंप्रेशन हम शेयर कर देंगे। बाकी अगर कुछ चीज़ अभी आपको पूछनी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, गाड़ीफाई वेबसाइट जो है उस पर जाके सर्च कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा जीप कंपस गाड़ीफाई, आपको डिटेल जो आर्टिकल जो है वो सारे उस पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो वहाँ कर सकते हैं। अगर आपको कंपस खरीदनी है तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डीलरशिप के वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई। पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।